अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम VFD को रीसेट करने के तरीके के बारे में सीखेंगे। हम जानते हैं कि VFD के पैरामीटर सेटिंग को तब्दील करते हुए हम VFD के बहुत से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आप किसी जगह पर गए हैं और वहाँ पर VFD को कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करें कि उसकी जो सोल्यूशन है वो आप पैरामीटर सेटिंग को तब्दील करके आप उसका सोल्यूशन निकालें। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि जो पैरामीटर्स हमें मालूम होते हैं वो तमाम लगाने के बावजूद भी VFD का सोल्यूशन नहीं निकलता। सो ऐसी सूरत में आपको VFD को रीसेट किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको VFD को रीसेट करने के तरीके के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान और आप देख रहे हैं A to Z सोलर। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर प्रोग्राम का बटन दबाएंगे और उसके बाद जो है हमारे सामने डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो सामने हमारे आ जाएंगे। इसमें P2, P8 डिफरेंट जो आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा मुतलका जो P0 है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही P0 पर हम डाटा इंटर करेंगे तो हमारे सामने P00 और इस तरह के बहुत से प्रोग्राम सामने आ जाएंगे। अब हमें जाना है P017 में, तो हमें अप डाउन करके डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे। बट P17 में हमें जाना है, तो P17 में जाने के लिए जो है हमारे सामने जैसे कि P17 है, हम डाटा इंटर का बटन दबाएंगे, 0 आ जाएगा। अब ये मेन सेटिंग है, यहाँ से आपने 0 को अप का बटन दबाकर इसको आपने 1 करना है। जब आप 0 से 1 करेंगे फिर डाटा इंटर का बटन दबाना है, तो ये कुछ सेकंड के लिए बंद होगी, जैसे कि आपके सामने डिस्प्ले बिल्कुल ऑफ हो गया। अब दोबारा से आपके सामने डिस्प्ले आ गया तो ये आपकी VFD रीसेट हो चुकी है। अब आप VFD को ऑन करेंगे तो आपकी भी मोटर जो है वो चल जाएगी। बाज़ अवकात जो है वो आपकी VFD में UV का ऑप्शन, जो UU के नाम से काफ़ी मशहूर है, वो आपका ऑप्शन जो है वो आ जाता है और मोटर आपकी ट्रिप हो जाती है। अब UU के ऑप्शन पर हम ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वो वीडियो देखकर जो है अपना ये UU वाला मामला हल कर सकते हैं। उसमें सिंपल सी बात है, इसमें दो तरीकेकार होते हैं। एक तो आप डाउन वाला बटन दबा के, सबसे पहले रेड वाला बटन दबा के आप इसके जो ट्रिप है उसको निकालेंगे, फिर डाउन वाला बटन दबा के आप जो है फ्रीक्वेंसी को डाउन करके भी आप चला सकते हैं, या PB की सेटिंग में जाके 04 में जाएंगे और वहाँ पे जो है वो जो सेटिंग 70 से लेके 110 तक होती है उसको आप सेट करके भी ये प्रॉब्लम का हल जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपकी जो VFD रीसेट होगी, यहाँ पे एक एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है कि आपने एक दिन में VFD को दो या दो से ज़्यादा मरतबा जो है वो VFD को रीसेट नहीं करना। ये गलती अक्सर जो है वो देखने को मिलती है और ऐसा करने से जो है वो VFD जो है बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो बार बार VFD को रीसेट ना करें, एक दिन में आप दो से तीन मरतबा रीसेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।